हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि गुप्ताज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ अदरक का अचार। ये अदरक इन दिनों बारिश के दिनों में बहुत अच्छी अदरक आती है। ये देखिए, ये कच्ची अदरक कहलाती है। इसमें एक धागा नहीं होता और इसका अचार में बहुत अच्छा कलर आता है। ये नींबू डालते ही पिंक कलर की हो जाती है और जल्दी भी तैयार हो जाती है। तो अदरक का अचार डालने के लिए मैंने 200 ग्राम अदरक लिया था। ये कुछ मैंने काट लिया है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे काटती हूँ। इसके लिए मैंने 2 नींबू लिए हैं और नमक डालेंगे। बस इन्हीं चीज़ों से हम इसका अचार तैयार करेंगे। ये नींबू वाली अदरक मैं डालूंगी। तो इसके लिए मैंने अदरक को पहले ऐसे काट लेना है, सीधा सीधा पीस लेना है। इसको धोना नहीं है, अचार की अदरक को कभी भी धोते नहीं हैं। आप अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए, अगर गंदी भी है तो अगर धोना है तो वॉश करके बहुत अच्छे से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाना चाहिए। कपड़े से अच्छे से ड्राई कर लीजिए, फिर आप इसका अचार डालिए। इसको ऐसे स्क्रैच करके निकाल के अब हम इसका पहले इसके स्लाइस काट लेते हैं पतले पतले। ये देखिए, ऐसे पतले पतले थिन स्लाइसेस काटेंगे हम इसके। मतलब पतले पतले काटने हैं, जितनी पतली काटेंगे उतना आपका लच्छा अच्छा लगेगा दिखने में। ऐसे मैंने काट ली है, देखिए। अब मैं इन स्लाइसेस को कैंची की सहायता से या आप चाकू से इसको 3-4 पीसेस लीजिए इकट्ठे, नहीं तो किचन सीजर जो होती है इसमें अब मैं इसको लंबा लंबा ऐसे काट लेती हूँ। अदरवाइज आप कैंची से भी काट सकते हैं। ये देखिए, ऐसे हमने सब बारीक बारीक काट लेनी है। ये देखिए, कैंची से काटेंगे तो भी जल्दी कटेगा, कैंची से भी इसको काट सकते हैं। जैसे बारीक बारीक काट लीजिए, जल्दी हो जाता है, इससे नाइफ से थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही मैंने देखिए सब काट के रख लिया था। पहले मैं लच्छा बनाना है, कद्दूकस नहीं करना है, हाथ से ही काटना है इसको। अब हम इसको नमक डाल के नींबू डाल के रख देंगे। इसी भी कांच के उसमें डालिए इसको हमेशा, प्लास्टिक में नींबू डलता है तो ठीक नहीं रहता। अब इसमें हम करीब 2 चम्मच सॉल्ट डालेंगे। ये मेरी 100 ग्राम के करीब अदरक थी, 2 चम्मच मैंने सॉल्ट डाल दिया है और 2 नींबू डालेंगे। ये आसान बहुत होता है लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि अदरक का अचार कैसे डाला जाता है। ये देखिए, अभी से पिंक होने लग गई है ना अदरक, जहाँ नींबू डल रहा है। ये देखने में बहुत अच्छी लगती है, दाल के साथ आप खाइए इसको, कोई भी पराठे के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये जल्दी से ख़राब नहीं होता, आप इसको 5-6 दिन बाहर रख सकते हैं, उसके बाद आप फ्रिज में रखिए, कितने दिन भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा खाने को। तो आप इसको इमीडिएट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको एक दिन रखना चाहिए, थोड़ी अदरक सॉफ्ट हो जाती है। देखिए, होने लग गया पिंक सारा, ऐसे ही सब पिंक हो जाएगा। और 2 नींबू डाले हैं मैंने पूरे, अब मैं इसको चम्मच से मिक्स कर देती हूँ। आप देखिएगा 5 मिनट में ये बिल्कुल ही पिंक हो जाएगी। जितना बारीक काटेंगे लच्छा उतना ही देखने में अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हमारा नींबू का अदरक खाने के लिए तैयार है। अभी इसको कम से कम 1-2 घंटे रखिए, फिर आप यूज़ करिए इसको। देखिए, हो गया ना पिंक सब, थोड़ी देर में इसका कलर और भी डार्क हो जाएगा पिंक।
मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, फिर डार्क पिंक हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अचार डालने का तरीका, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और ज़रूर डाल के देखिएगा अचार, बहुत इजी है बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ढक के रख देते हैं, एक घंटे में तैयार हो जाएगा। हमारा अदरक का अचार तैयार है, देखिए अभी आधे घंटे में ये कितना पिंक हो गया है। जितना रखेंगे इसको और पिंक कलर इसका बढ़ता जाएगा। ये तैयार है, आप इसको सर्व कीजिए, रोटी पराठे के साथ खाइए। ये बरसात के मौसम में ही ऐसी अदरक मिलती है, अदरवाइज पक्की अदरक का कलर लाल नहीं होगा। अचार तो ऐसे ही डालना है उसका भी, लेकिन उसका कलर पिंक नहीं बनता है, वो वाइट ही रहती है। चलिए आइए इसको टेस्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।